We are starting chapter number 51, instruments. So, यहाँ पर हम कुछ instrument के बारे में पढ़ेंगे. Energy can neither be created nor destroyed. Energy, ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है. ये बदली जा सकती है, transform की जा सकती है from one form to another form. एक form से दूसरी form में. सो यहाँ पर हमें इक्विपमेंट्स का नाम लिखना है विच मेक द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस विद द हेल्प ऑफ द हेल्प जोन. सबसे नंबर वन पर है डायनामो. डायनामो डायनामो ट्रांसफॉर्म करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ओके, सो विच इक्विपमेंट ट्रांसफॉर्म मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? डायनामो. Which equipment transforms chemical energy into light and heat energy? Chemical energy से light और heat energy में कौन बदलता है? Candle. Okay? Candle. Dash transforms sound energy into electrical energy. Microphone transform करता है sound energy को electrical energy में. Okay? लाउड स्पीकर ट्रांसफॉर्म करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में. सोलर सेल ट्रांसफॉर्म करता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. सोलर पैनल लगाते हैं ना हम लाइट के लिए, तो उसी का ये एग्जांपल है कि सोलर सेल ट्रांसफॉर्म करता है एनर्जी, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. आगे चलते हैं. नंबर सिक्स पर है इलेक्ट्रिक बल्ब. ये ट्रांसफॉर्म करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में. इलेक्ट्रिक बल्ब जब लाइट होगी तब जलेगा, तो सबसे पहले तो हमने उसे जलाया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई और जलते ही क्या हुआ? लाइट आ गई. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई लाइट एनर्जी में इलेक्ट्रिक बल्ब से. ओके, ट्यूब लाइट. ट्यूब लाइट इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एंड हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है. बैटरी ट्रांसफॉर्म्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, सो बैटरी क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है. इलेक्ट्रिक मोटर. अब जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो ट्रांसफॉर्म करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में. ओके, नाउ सितार. सितार ट्रांसफॉर्म मैकेनिकल एनर्जी इंटू साउंड एनर्जी. ओके, सो मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करती है. तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ना तो क्रिएट हो सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है. राइट, यहाँ पर देखेंगे हम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. जेम्स जूल इज द पर्सन. वो एक पर्सन है who discovered the relation between mechanical energy and heat. जिन्होंने mechanical energy और heat के relation को खोजा था. The unit of heat is named after him, joule. Okay? So heat की जो unit का नाम है वो इन्हीं के नाम joule के ऊपर पड़ा था. और इसी के साथ बच्चों ये chapter finish होता है. Thank you.